सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फनी ग्रुप एज फनी सिटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले, बिकॉज काफी यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लगातार लाता रहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं जी म्यूचुअल फंड वाली वीडियो पे, जो आप लोगों की क्वेरी है कि अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंटिंग एप्लीकेशन है यानी कि ग्रो का मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर ये भाग गई तो, या फिर हमने अगर ICICI में पैसे लगाए, एक्सिस बैंक में लगाए, अगर वो बैंक भाग गया तो हमारे फंड क्या सेफ हैं क्या नहीं है, अगर हैं तो कहाँ से हम पैसा निकालेंगे, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन आपको ये बताया था, ग्रो एप्लीकेशन का एक फायदा ये है दोस्तों, अगर आप मेरी लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फ्री में आपको 100 रुपीज़ यहाँ पर मिल जाते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट। आप इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में 2 या 3 दिन के बाद। तो एक वीडियो में बता चुका हूँ, फंड्स आपको बता चुका हूँ, क्या प्रॉफिट देते हैं, कैसे प्रॉफिट देते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, सारी चीज़ें वैसे मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आज हम आपकी जो क्वेरी है उसके आंसर की बात करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहली बात तो ये होती है, जब भी आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पेशेंस होने चाहिए, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं आपको रिटर्न्स मिलने के लिए, और ये हमेशा होता है, हर मार्केट के अंदर भी होता है। क्रिप्टो मार्केट को देख लो, सारे के सारे पोर्टफोलियो अभी नेगेटिव में ही हैं, ऐसे ही शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के साथ होता है। लेकिन जी हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर आप टाइमली इन्वेस्टमेंट करते हैं रेगुलर सिप की तरह, या फिर हर महीने भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जितना भी वो अच्छा परफॉर्म करता है आपको उसका रिटर्न मिलता है। और अभी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हैं, कुछ फंड 100% का रिटर्न फिलहाल दे रहे हैं या फिर उससे ऊपर का भी दे रहे हैं, तो आप ऐसे फंड्स में जा सकते हैं। रेटिंग हमेशा चेक कर लेना, बढ़िया रेटिंग वाला फंड आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये मार्केट के अधीन रहते हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, ना नीचे जाएगी तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। काफ़ी लोग तो ये पैनिक हो जाते हैं कि भैया हमने फंड बाय किया नेगेटिव में हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको आपने छोड़ना है, क्योंकि आप जब इस मार्केट में आ रहे हैं तो हमेशा आपको पेशेंस के साथ ही आना है, ठीक है जी। और आपको डेफिनेटली यार प्रॉफिट भी मिलता ही है। चलिए अब आते हैं जी आपके क्वेश्चन के ऊपर। 2 ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेन मेरे पास आए हैं कि भैया अगर हमने पैसा ग्रो एप्लीकेशन में लगाया, अगर ग्रो एप्लीकेशन बंद हो गई तो हमारे पैसे का क्या होगा, कैसे वापस आएंगे, अगर हमने एक्सिस बैंक में लगाए या फिर टाटा में फंड लगाए या फिर ICICI बैंक में लगाए, अगर ये कंपनी ही बंद हो गई तो हमारे पैसे कौन वापस करेगा, कहाँ से वापस करेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इस जो है टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला, ग्रो में हमने पैसा लगाया, 5 पैसा में लगाया, स्टॉक में लगाया या एंजल ब्रोकिंग, कहीं भी आपने पैसा लगाया, तो आपका जो पैसा है अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो ये कंपनी लेके भाग जाती है। सबसे बड़ी जो है गलत फहमी आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, ये सारे के सारे दोस्तों मेंबर हैं, ठीक है, CSDL के या फिर NSDL के, ये एक डिपॉजिटरी होती है, गवर्नमेंट की ही एजेंसीज हैं, आप चेक कर सकते हैं। CSDL हो गया आपका सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, NSDL हो गया नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, इन्हीं पर ही ये मेंबर होते हैं, यानी कि ये आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिसका ये लोग आपसे बस चार्ज लेते हैं जी इन्वेस्टमेंट का, ये तो आपको पता लग गया। तो ना ही इनके पास आपका पैसा रहता है, ना ही कोई आपको ये जो फंड वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो ना ही इनके थ्रू होता है, डायरेक्टली आप कंपनी को ही फंड जो है पैसा देते हो, ठीक है। यानी कि अगर ICICI बैंक का लिया तो आप डायरेक्ट पैसा उनको ही दे रहे हो, ग्रो का कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपको एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है जी। तो ऐसे ही अपस्टॉक हो गया, जितनी भी एजेंसीज हैं ये सिर्फ एक ऑनलाइन एक एजेंसी है जो आपको ये डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी देता है, जिसमें आप म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपका कोई भी पैसा इनके पास नहीं रहता है, ठीक है। ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसकी आप लिस्ट जो है CSDL की वेबसाइट में जाके देख सकते हो, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपसे CSDL की तरह ही तरफ से ही आपके पास जो है OTP रिसीव होता है, ये आप कभी भी नोटिस करेगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इनसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है भाई ग्रो जो एप्लीकेशन है या फिर कोई और भी एप्लीकेशन है वो बंद हो जाए तो दोस्तों देखिए बड़ा ही आसान होता है, आप अपने जो ये वाला आपका डीमैट अकाउंट होता है इससे आप अपने सारे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे मॉडल के ऊपर, या फिर मैं बोलता हूँ दूसरी एजेंसी के ऊपर। आपका ग्रो के अंदर है तो आप एंजल ब्रोकिंग पे डाल सकते हो, 5 पैसा में डाल सकते हो, आप स्टॉक में डाल सकते हो, और ये CSDL की वेबसाइट में ही अवेलेबल होता है, तो उसमें कोई भी आपको परेशानी वाली वैसे बात नहीं है, ठीक है। आपको पता लगता है भाई ग्रो एप्लीकेशन बंद होने वाली है तो आप अपने डीमैट अकाउंट का जो भी फंड है ट्रांसफ़र कर सकते हो दूसरे एक्सचेंज पे, आप स्टॉक पे कर लो, 5 पैसा पे कर लो, वो आपकी मर्जी है, डजंट मैटर मच, ठीक है। अब आते हैं जी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, अगर मेजर कंपनी ही बंद हो गई, मान लीजिए भाई एग्जांपल ले लेते हैं ICICI बैंक का, कि भाई ICICI बैंक के जो म्यूचुअल फंड है मैंने बाई किए, मान लो 5 साल बाद 10 साल बाद ये बंद हो गई तो मेरे पैसे तो डूब गए, तो जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। कोई भी कंपनी अगर म्यूचुअल फंड बंद करना चाहती है तो सबसे पहले उसको मर्जिंग करनी पड़ती है या फिर उसको कोई और इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता है अपने म्यूचुअल फंड कंपनी चलाने के लिए, ठीक है जी। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, सॉरी फॉर डैट, कॉल आ गई थी दोस्तों। इनकी जो कस्टडी है, कस्टडियन बोलते हैं, यानी कि इनकी जो कस्टडी है म्यूचुअल फंड की, कभी भी पेरेंट कंपनी के पास नहीं रहते, आप सभी का ये रूल पढ़ सकते हैं,
थोड़ा सा आपको भी यार आरएनडी करनी पड़ती है, पढ़ेंगे तो ही आपको समझ आएंगी। कोई क्वेश्चन पुटअप करना बहुत आसान है, इसका आंसर निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये मुझे पता है, तभी मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। अगर आपकी मेजर कंपनी मान लीजिए रात रात सोचती है कि मैं सारे फंड बेच दूँ, तो सबसे पहली बात ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कस्टडी आईसीआईसीआई के पास नहीं है। अगर वो आईसीआईसीआई बैंक के फंड है, उसकी कस्टडी किसी और के पास रहती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, आईसीआईसीआई जो बैंक के म्यूचुअल फंड है, उसकी कस्टडी एचडीएफसी बैंक के पास है, यानी कि कस्टडी होल्डर जो है वो एचडीएफसी बैंक है। ना ही ये फंड बेच सकते हैं, ना ही ये फंड जो है ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि कस्टडी तो मेन एचडीएफसी बैंक के पास ही है। म्यूचुअल फंड का काम ही होता है स्टॉक्स में मार्केट में पैसा लगाना, जो भी प्रॉफिट कमाया उसको आपको ट्रांसफर करना, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये फंड वगैरह स्टॉक्स वगैरह काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा, अगर आपके पास ग्रो में अकाउंट है, आप चाहते हैं इसमें से हटा के मुझे आप स्टॉक में डालना है, तो आप सीएसडीएल के वेबसाइट से डाल सकते हैं, और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ये लाइव भी कर दिखा दूंगा। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, सीएसडीएल की वेबसाइट पर जाइए, न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन करिए, आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका जो भी फंड है या फिर जो म्यूचुअल फंड है, वो सब का सब डिपॉजिटरी में रहता है, कभी भी एजेंसी या फिर आपके पार्टनर के पास नहीं रहता। आपका जो भी पैसा है फंड का स्टॉक का डिपॉजिटरी में रहता है, जो सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आपका फंड का पैसा हमेशा सेफ रहता है, कहीं भी इधर उधर नहीं होता, तो डोंट वरी अबाउट डैट। खासकर तो म्यूचुअल फंड की यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे सेफेस्ट फिलहाल मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी वाइज तो म्यूचुअल फंड ही है, और मैंने आपको बताया भी है कौन कौन से फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं उनकी तरफ, लेकिन अच्छे फंड की तरफ ही जाइएगा, आरएनडी थोड़ा सा कर लीजिएगा और हमेशा पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने आपके जो क्वेश्चन थे, आपके जो मेजर जो क्वेश्चन थे, उसका आंसर मैंने दे दिया होगा कि भाई मेरी कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा, या फिर कोई मेजर कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। आपके जो फंड है हमेशा सेफ रहते हैं, और आप इसको सीएचजीएल से भी ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं डायरेक्टली। इवन आप अपनी जो मेजर कंपनी है वहाँ से भी आप कांटेक्ट करके अपने फंड को रिडीम कर सकते हैं यार, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, ग्रो तो आपको एक मेल करता ही करता है, लेकिन कंपनी आपके फंड जो है खरीदती है और बेचती है, ना कि ग्रो। तभी ग्रो कम से कम 2 या 3 दिन का समय लेता है आपसे विड्रॉल के लिए या फिर डिपॉजिट के लिए। तो ये जो आप मैसेज देखेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक आपको मैसेज करेगा, या म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उनकी, वो मैसेज करती है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है जी हमारे फंड में, ये आपकी फंड वैल्यू है, ये नया वैल्यू है, समझ गए। ग्रो का कुछ लेने देना नहीं है, कंपनी के पास ही आपका पैसा जा रहा है, वहीं से आपका पैसा विड्रॉल होता है आपके अकाउंट में। ग्रो बंद भी हो जाती है तो डायरेक्टली आप आईसीआईसी से भी, जो इनकी कस्टमर केयर की मेल है, उस पर जाकर सपोर्ट पर डाल सकते हो, अपना टिकट रेज कर सकते हो, आपका जो फंड है आपके अकाउंट में ही डाल दिया जाता है, ठीक है जी। और दोस्तों, काफ़ी लोग पूछ रहे थे अगर भाई मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरा फंड का क्या होगा, तो आपको इसमें ऐड नॉमिनी करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप कस्टमर सपोर्ट के मेल पे भी बात कर सकते हैं, सिंपल फ्री में ही अपना नॉमिनी ऐड करें, और जब भी कुछ ऐसी होती है तो आपके नॉमिनी को रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है इन फंड्स की विड्रॉल की, तो कस्टमर केयर से बात करेंगे, आपको पता लग जाएगा जी, प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल वैसे नहीं है। इवन आप इस मेल में भी देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है ऐड नॉमिनी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, सिंपल आपने ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना है, नॉमिनी की डिटेल फिल आउट करनी है, आपका काम हो जाता है। और ये आपको ऑफिशियल कंपनी ही भेजती है कि आप नॉमिनी अपना ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कभी ग्रो नहीं पूछेगा आपसे, कंपनी के मेल खुद आएंगे, खुद ही वो आपसे ये सब डिटेल्स लेती हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों की जो क्वेरी है वो समझ आ गई होगी। और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर बात करें, म्यूचुअल फंड सबसे सेफ है। हाँ जी, नुकसान देखिए और प्रॉफिट होता ही है। अब देखिए, जो आईसीआईसीआई बैंक का फंड है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टॉप पे चल रहा है। अब देखिए, कभी भी ऐसा टाइम हो सकता है कि गिरना शुरू हो जाए, आपको लगता है कि भैया आपने 10 लगाए थे, 22 मतलब कि 20,000 रुपये लगाए, 22,000 हो गए, तो आप निकल सकते हो जब आपको लगता है कि हाँ भैया ग्राफ इसका गिर रहा है। तो इसी को समझदारी कहते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो प्रॉफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। मैंने सारे वैसे तो आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे दिया, लेकिन अभी भी यही कहूँगा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ये मार्केट के अधीन रहते हैं, उतार से चढ़ाओ, और चैनल दोस्तों कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम सिर्फ एक मीडिएटर है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर है। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेगा, पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, लॉन्ग समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, तो आपको जो है प्रॉफिट डेफिनेटली मिलता है। एग्जाम्पल वैसे तो मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपके जो क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर वैसे दे दिया। अगर वीडियो आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो यार वीडियो को जरा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।